क्या हुआ आसिन? कुछ नहीं, तुम आ गई। आपने ऐसे सर क्यों पकड़ा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे आसिम, माजबी से क्या छुपाना, ये तो हमारे घर का फर्द है ना। क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा माजबी, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि ये बेचारा चक्कर खा के बेहोश नीचे लेटा हुआ था। इसके मुंह पे पानी के छींटे मारे तो बड़ी मुश्किल से होश आया इसे। आसिम, आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे माजबीन, तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम प्लीज बैठो। अरे बेटा माजबी, ये क्या बताएगा तुम्हें, मैं बताती हूँ तुम्हें। बेटा पिछले साल ना मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी, डॉक्टरों ने तो बस समझो जवाब ही दे दिया था, मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। ये बेचारा इधर उधर से उधार पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरा इलाज कराता रहा, बड़े बुरे हालात थे। अच्छा आसिम, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। बस बात ही ऐसी थी माजबीन, मैं क्या बताता तुम्हें। बस इसी दौरान आज ये कर्जेदार हमारे दरवाजे पर आके हमें धमकियां दे रहे हैं। इस बेचारे को ये दिन आज मेरी वजह से देखना पड़ रहा है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, पैसे आपसे बढ़ के तो नहीं है ना? हमारे लिए आपकी जान ज्यादा कीमती है। अरे बेटा हम तो खुद कौड़ी कौड़ी के मोहताज हैं, हम कहाँ से पैसा वापस करेंगे। मैंने सोचा था अगर मेरे पास जेवर होता तो मैं वो बेच कर अपना कर्जा उतार देती, लेकिन मेरे पास तो सोने के नाम पर एक बाली तक नहीं है। अच्छा अम्मी आप परेशान मत होए, मैं उसामा से बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वैसे अम्मी कितनी रकम चाहिए? बेटा 4 लाख रुपए। 4 लाख? नहीं हो पाएंगे बेटा, मुझे पता था, तुम छोड़ो, हम माँ बेटा कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कुछ करती हूँ। Thank you.